जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों फाइनली सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल 787 पोस्टों का खत्म हो गया, जो 29 अप्रैल तक आप लोगों का फिजिकल था। तो दोस्तों अब बारी है एग्जाम की। अब जो भी स्टूडेंट फिजिकल पास किए हैं, जिस भी ट्रेड में, एक ही चीज कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब एग्जाम हमारा कब होगा, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, और मेडिकल के लिए हमें कितना प्रतिशत नंबर लाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, और ये जो आज का वीडियो है आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ गए दोस्तों। तो कैसे आपको तैयारी करना है, किस लेवल का तैयारी करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन तैयारी करना है, सारी चीजें बताएंगे। तो दोस्तों बता दे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 29 अप्रैल फिजिकल का लास्ट डेट था सभी फिजिकल सेंटरों पर, और 29 अप्रैल को फिजिकल फाइनली खत्म हो गया, समझ गए दोस्तों। यहां पर काफी बच्चे जो फिजिकल पास किए हैं वह कुक में फिजिकल पास किए हैं, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जो रहने वाला है वह कुक में रहेगा, इसके बाद सफाई वाला, इसके बाद सफाई कर्मचारी, जितने भी पोस्ट है, लेकिन एक नंबर पर कुक रहने वाला है, क्योंकि काफी बच्चे कुक में अप्लाई किए थे, समझ गए दोस्तों। तो यदि आप लोग कुक में अप्लाई किए थे, कुक में फिजिकल पास है, डॉक्यूमेंट पास है, तो दोस्तों समझ लीजिए ये गोल्डन चांस है, और समझ लीजिए एग्जाम, केवल एग्जाम पास करके सीधा मेडिकल में, समझिए आप अपने वर्दी के लिए, अपने जॉब के लिए आधे रास्ते पार कर चुके हैं, और आधा रास्ता है। यहां से यदि आप मेहनत करते हैं तो उस पार जाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो इसी पार रह जाइएगा। तो दोस्तों काफी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई नोटिस जो है उस नोटिस में ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना प्रतिशत मार्क है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को शॉर्ट जानकारी दे दे कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 जीके जीएस से, 25 हिंदी रीजनिंग से, समझ गए, 25 हिंदी से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से, और सभी 10th लेवल का क्वेश्चन होगा, 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम ऑफलाइन होगा, और एग्जाम के अभी 2 महीने बचे हैं आप लोगों के पास, मात्र 2 महीना, समझ गए दोस्तों, मात्र 2 महीना बचा है। आप लोगों का एग्जाम जुलाई में होगा, मई और जून, ये 2 महीना तैयारी करने का है। सेट पे सेट लगाइए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का सेट लगाइए। 10वीं, हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न, और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों यदि आप लोग इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए और इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। लेवल का तैयारी कीजिए, मैथ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जीके जीएस और हिंदी में 25 में से 25 लाइए, निगेटिव मार्क नहीं है, कट ऑफ 65-70 से ऊपर जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो आप लोगों को जो तैयारी करना है वह 10th लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। दोस्तों क्या आप फिजिकल पास हैं, तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई हम फिजिकल पास हैं, समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं आपका एग्जाम का। तो दोस्तों हम आप लोगों को ऑलरेडी और अभी भी बता रहे हैं, और इससे पिछले वीडियो में भी बताए थे, पहले सीआईएसएफ फायरमैन का होगा, फिर सीआईएसएफ एचसीएम का होगा, फिर सीआईएसएफ एचसीएम का होगा, और फिर सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का होगा, लेकिन लिखित परीक्षा एक ही दिन होगा, आपके राज्य के अंदर ही लिखित परीक्षा कराए जाएंगे, निगेटिव मार्क नहीं है, समझ गए दोस्तों। तो अब बात रही कितना प्रतिशत नंबर लाना पड़ेगा। तो दोस्तों बता दे जो यूआर कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, और एक सर्विस मैन है, 35% नंबर लाना पड़ेगा 100 में से मेडिकल के लिए, समझ गए, 35% नंबर लाना पड़ेगा मेडिकल के लिए। और जो स्टूडेंट एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, 33% नंबर लाना पड़ेगा 100 में से मेडिकल के लिए। दोस्तों यदि आप लोग मेहनत करते हैं एग्जाम में, मात्र 2 महीना बचा है एग्जाम का, कान खोल के सुन लीजिए,
दो महीना यदि रगड़ के मेहनत कीजिएगा, यदि आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो हम 8 बजे लाइव क्लास लेंगे। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई लाइव क्लास शुरू कीजिए। तो दोस्तों फ्री क्लास सभी ट्रेडों का इस चैनल पर हम कराएंगे। तो दोस्तों 2 महीना बचा है, तैयारी करने का मौका आपके हाथ में है, लग जाइए आज से तैयारी करने के लिए। आप लोगों का जो एग्जाम है वह मई में नहीं होगा ना जून में होगा, समझ गए, जुलाई में आप लोगों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि 20 मई के बाद सीआईएसएफ फायरमैन का होगा, फिर सीआईएसएफ ट्रेड हेड कांस्टेबल का होगा, फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का होगा, और इसके बाद सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का होगा, समझ गए दोस्तों। तैयारी में लग जाइए, 2 महीना बचा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।